पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने विधानसभा में उठाए मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, नशे को लेकर उठाए सवाल, फॉरेस्ट की जमीन पर बताया अतिक्रमण। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने विधानसभा में क्षेत्र के मुद्दे उठाए। कैलाश कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है। कई जगह उन्होंने भ्रमण किया लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा खराब पाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार के जितने भी नेता चाहे वह सांसद विधायक तक हो, उन सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूल की शिक्षा में सुधार होगा। वहीं युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि युवा जो बेरोजगार है वह नशे की ओर बढ़ रहा है और पुलिस भी नशे के सामान को बेचने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करती, उल्टा खरीदने वालों पर कार्यवाही करती है। अगर नशे का सामान बिकेगा नहीं तो कोई भी नहीं खरीदेगा। साथ ही उन्होंने विकास को लेकर भी कई मुद्दे उठाए। वहीं उन्होंने बताया कि 70% एरिया फॉरेस्ट विभाग का है और 10,000 बीघा जमीन पर नेताओं ने अतिक्रमण कर लिया है। आदरणीय अध्यक्ष साहब, कैलाश थोड़ा संक्षिप्त करेंगे। हमारे यहाँ जो सिस्टम में जिस चीज की लड़ाई चल रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण है और अभी हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों की दुर्दशा बहुत बुरी है। मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि सरकारी जो भी सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, सभी नेता हमारे, सभी प्रतिनिधि जी, चाहे वो सरपंच से लेकर विधायक सांसद जी तक हो, चाहे जो सरकारी योजना के ठेकेदार हो, मैं निवेदन करता हूं सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, जिससे हमारी सरकारी स्कूलों की दशा भी सुधरेगी और हमारी शिक्षा भी सुधरेगी। हमारे बच्चे और ठेकेदारों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का क्या हुआ? अगर हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे तो शिक्षा का बेहतर सुधार होगा। मैं विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं। इसके अलावा विशेष करके युवाओं का भविष्य पर बिल्कुल मुझे पता नहीं क्या ध्यान है। हमारा युवा बेरोजगारी के अलावा नशे की ओर जा रहा है और नशे भी कई प्रकार के चल रहे हैं साहब, तो हमें इस पर विशेष ध्यान चाहिए। जब हम नशे की शिकायत करते हैं तो नशे बेचने वालों को ना पकड़ते हुए खरीदने वालों को पकड़ा जा रहा है, तो अगर नशा ही बंद हो जाएगा कोई खरीदेंगे कहां से? हमारे युवाओं का भविष्य और युवाओं के परिवारों का भविष्य खतरे में है, इसको विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हमारी प्रदेश की धरोहर जो भी है, हमारे क्षेत्र में फॉरेस्ट का 70% क्षेत्र है लेकिन लगभग 10,000 बीघा जमीन फॉरेस्ट के पेड़ काटकर खेती बना ली गई है। यह हमारे पूर्व नेताओं ने खड़े होकर कराया है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब से कि हमारा क्षेत्र आपका पूर्व संसदीय क्षेत्र भी रहा है, तो मैं निवेदन करता हूं कि विकास काफी पिछड़ा हुआ है और विधायकों से भेदभाव न करते हुए समानता रूप से विकास के लिए आगे योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।